5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिनसे नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता होगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य गोवर्धन मीन्स गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, उन्हें एनकरेज करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इससे उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D विभिन्न राज्यों के कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट MSME के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है, मतलब उसे डेवलप किया गया है, अपडेट किया गया है। यह 1 अप्रैल 2023 से कॉप्स में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2,00,000 करोड़ रुपए का संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15,00,000 रुपए से बढ़ाकर 30,00,000 रुपए कर दी गई है। और आपको बता दें, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, भारत को स्त्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब मोटा अनाज का मतलब जैसे बाजरा, और आप जानते ही हैं कि 2023 को बाजरा के लिए मिलेट ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20,00,000 करोड़ रुपए तक का बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की सूचना देकर शुरुआत की गई। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा, मतलब इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा कुछ टाइम में। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों के लिए
विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट बेस्ट संस्थान के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे। भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में 1,00,000 पुरातन अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन के लिए डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत रॉयल रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस की स्थापना की जाएगी। लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध करवाने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण ट्रेनिंग मंच iGOT कर्मयोगी का शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट, सरकारी मशीनरी की विश्वसनीयता उन पर फेथ बढ़ाने की दिशा में 42 केंद्रीय कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक लाया गया है और इसके साथ साथ लवण सॉल्टी भूमि पर जहां भी व्यवहार हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। मिस्टी एक टेक्निकल वर्ड। नेक्स्ट, अमृत धरोहर योजना को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कार्बन स्टॉक पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47,00,000 युवाओं को यूथ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, राज्यों के उनके स्वयं के ODOP एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक यूनिट मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय भंडारण के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना भी की जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक एकल नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2,00,000 रुपये तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45,00,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट, केवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अब ये घाटे की प्रवृत्तियां क्या हैं उसकी एक टेबल है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे राजकोषीय घाटा का अनुमान तो है 6.4 का, ठीक है,
22-23 का। अगर हम 23-24 का देखें तो ये 5.9 मतलब थोड़ा सा कम घाटा हुआ। राजस्व घाटा 4.1 था 2022-23 में, अब कितना रह गया 2.9, मतलब अच्छी रिकवरी हो रही है। प्रभावी राजस्व घाटा 2.9 था 2022-23 में और अब रह गया केवल 1.7%, तो काफ़ी ग्रोथ हो रही है। प्राथमिक घाटा 3% और अब कितना रह गया 2.3%, तो होगा ना इम्पोर्टेंट ग्रोथ का फंडा कामयाब। तो अब ये बताइए कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक डेटा दूंगा। जैसे इनकम टैक्स 15% होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% लगाया जाता है, निगम कर जो आपके बड़े बड़े नगर निगम होते हैं जैसे 17 नगर निगम थे बीजेपी जीती है वैसे ही 15% वो कलेक्ट करता है, वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर, जैसे हम टमाटर खरीदने जा रहे हैं, हम कोई और चीज़ खरीद रहे हैं, गेहूँ खरीद रहे हैं, तो हमें ब्रेड खरीद रहे हैं तो हमें इनडायरेक्ट वे में उस खरीदारी पर 17% कर देना होता है, टैक्स देना होता है। ऋण और अन्य देयताएं 34% और कर रहित प्राप्तियां 6%, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां 2%, सीमा शुल्क लगाया जाएगा 4%।